ओह नो व्हाट अ रिएक्शन। बट मैंने इतना रिकॉर्ड किया अभी तक, वो जो रिकॉर्डेड वीडियो अभी तक अपलोड हुए क्या? वो अपलोड मत कर। नहीं ना। हाँ क्वेश्चन वन। हाँ तो बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा है ना। राइट अ प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एंड चेक इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज इवन और ऑड। ओके तो सबसे पहली लाइन क्या आएगी मैं ही बता देता हूँ। इम्पोर्ट स्टेप जावा डॉट, बताओ आगे, योटेल डॉट एस्ट्रिक्स, स्टेप इसके बाद क्लास डिजिट्स, कुछ भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन क्या आएगी? आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन समझ लें या क्वेश्चन समझ में आ गया? सम ऑफ डिजिट्स इज हमें इवन और ऑड, हमें बस ये चेक करना फंक्शन है बनाने कि की जरूरत थोड़ी ना है। फंक्शन नहीं बनाना। जो भी हम नंबर एंटर करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम फाइव तो लिखो। टू थ्री, हाँ सपोज हमने 523 एंटर किया, ओके या फिर 4 डिजिट एंटर किया, एनी डिजिट आप एंटर कर सकते हो। ये हमने एंटर किया, ओके इन डिजिट्स का सम क्या आएगा? 5 2 7 3 10, और इसका कितना आएगा अगर 4 डिजिट नंबर है तो? 3 4 10 7, अरे वाह दोनों ही 10 10 निकल गए, बेन 10 बन गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर, यहाँ अगर हमने एक वन और ले लिया, 5 डिजिट नंबर ले लिया, तो ये 11 हो जाएगा। तो इसका जो सम है वो इवन है ना, और इसका सम ऑड आया। तो यही हमें चेक करना है कि जो भी नंबर ऑफ डिजिट हम एंटर करेंगे वो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है। क्वेश्चन क्लियर? अब yes. मेन मेथड, ये स्ट्रिंग एआरजी का कोई मीनिंग है यहाँ पर? कोई मीनिंग नहीं है, बस ये है कि हमें बस लिखना होता है नॉर्मली स्कूल इंस्ट्रक्शंस के एस अकॉर्डिंग। डाल दिया। एज ए स्टूडेंट मैं काफी मिस्टेक करूंगा, वो आपको बताना है क्या क्या मिस्टेक हुई। अब इस लाइन में मैंने क्या मिस्टेक की है, जस्ट टेल मी फास्ट। कौन से लाइन अरे ये नहीं दिखाई दे रहा है क्या? स्कैनर लाइन में स्कैनर 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 स्पेलिंग दो स्कैनर है, विच स्कैनर? स्पेलिंग स्कैनर स्पेलिंग हमने सही किया, स्टिल देयर इज एरर। सी एस शुड बी कैपिटल। वेरी गुड, अब लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो थोड़ा। कहानी हाँ नाउ वी नीड अ नंबर, तो इंट एन ले लिया फॉर नंबर। अब देखो इस टाइप के प्रोग्राम्स में हमें डिजिट गेटिंग लगता है, मतलब हाउ टू गेट द डिजिट्स। तो डिजिट गेटिंग का एक प्रोसीजर आप याद कर लो समझते हुए, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है वीडियोस में। एक तो डिज वेरिएबल लगता है, ओके और सम निकालना है तो सम इज इक्वल टू 0 आएगा, और देखी जाएगी जो भी वेरिएबल लगेगा बाद में ले लेंगे, राइट। अब हमें क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैसेज क्या आएगा? एंटर द नंबर। वेरी गुड, नंबर। नाउ नेक्स्ट लाइन, एन इज इक्वल टू, SC डॉट नेक्स्ट है। ओके नाउ वी नीड टू गेट द डिजिट्स। व्हेन वी गेट द डिजिट्स देन वी कैन गेट द सम ऑफ डिजिट्स आफ्टर गेटिंग द डिजिट। तो एंड गेटिंग द ऑफ डिजिट का डिजिट सबसे बेस्ट वे क्या है? व्हाइल एन ग्रेटर देन 0, डेज इज इक्वल टू एन मॉड। अब मुझे ये बताना कि किसे ये स्टेप्स में प्रॉब्लम है, मैंने काफी वीडियोस में समझा दिए हैं ये स्टेप्स और क्लासेस में भी। ये लूप का मीनिंग तो पता चल रहा है कि जब तक एन 0 से बड़ा रहेगा चलता रहेगा, फाइनली वो 0 आएगा लूप बंद हो जाएगा। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कैन यू एक्सप्लेन दिस लाइन? इज यूज टू
गेट लास्ट डिजिट राइट इज यूज टू रिमूव लास्ट डिजिट. एनी प्रॉब्लम? सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट. एंड लूप से जैसे ही हम बाहर आएंगे हमारे पास डिजिट्स सम के अंदर डिजिट्स का सम आ जाएगा. अब यहाँ तक अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पूछ सकते हो कि कैसे सम निकल रहा है. क्या मैं इस कोड को दोबारा से एक्सप्लेन करूँ आपको? नो सर. ओके तनिष, आपको? यस. वेरी गुड. इससे पता चल रहा है कि आप बिल्कुल भी मेरे वीडियोस को फॉलो नहीं कर रहे हो. कितनी बार एक्सप्लेन किया है, क्लासेज में भी एक्सप्लेन किया है. तो यहाँ पर फिर भी कोई बात नहीं. n is equal to 5, 9, 2, 3. एक फोर डिजिट नंबर लिया हमने, कोई भी नंबर ले सकते हो. एंड ये जो लाइन है तो बस इसमें से मेन लाइन लिख देते हैं. सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट. बाकी का लाइंस का मीनिंग पता ही है क्या होने वाला है, इसलिए मैं सभी लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. सम में जीरो है, डिजिट में क्या आएगा आप ही बताते चलो. जब ये लाइन ऑपरेट होगी तो डिजिट में एक वैल्यू आएगी. जल्दी बोलो. 3. गुड. तो आपका सम का वैल्यू आ जाएगा 3. और इस लाइन से क्या होगा कि ये जो n है, ये जो 3 है ये रिमूव हो जाएगा. इज यूज टू रिमूव द लास्ट डिजिट. तो अब आपके पास नंबर ये बचेगा राइट 592. लू विल रिपीट अगेन. लू विल रिपीट अगेन. अगेन क्या होगा? अगेन आपको डिजिट मिलेगा. ओके तो यहाँ पर सम तो न्यू वैल्यू सम 3 है, डिजिट की न्यू वैल्यू क्या आएगी? अरिंजय आप बताओ, यू नो वेरी वेल ना ये. 2. वेरी गुड. तो यहाँ पर 5 आएगा. देन उसके बाद यहाँ से 2 रिमूव हो जाएगा बाई यूजिंग दिस लाइन. देन अगेन अब हमारा एक फ्लो बन जाएगा. अब हमें पता है क्या होने वाला है. तो यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा. ओके तो ये आ गया 14. और नेक्स्ट टाइम यहाँ 14 और यहाँ पर 5 आने वाला है 19. तो 19. फिर n becomes 0 क्योंकि ऑल डिजिट्स 1 by 1 आ गए. एंड फाइनल सम इज 19. ओके अकॉर्डिंग टू दिस नंबर. अब हमें क्या करना है, सम को चेक करना है इफ सम इज ऑड और इवन. हाउ टू चेक ऑड और इवन? दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन टू चेक द ऑड और इवन. मॉड टू डबल इक्वल टू 0 है ना. तो हम यहाँ मैसेज क्या प्रिंट कर देंगे? इट इज एन इवन सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इवन राइट. एनी प्रॉब्लम? सेम इसे कॉपी कर दो और एल्स में डाल दीजिए. एल्स यहां पर बस और लिखना है. तो आई थिंक अभी ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और हम सेम इंफॉर्मेशन एंटर करेंगे. इवन थोड़ा सा आपको, अब देखो 19 आया था ना, नंबर हमारा 5923 है. एक बार कंप्यूटर से भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. मैं ये रिमूव नहीं कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन, जिससे कि हमें याद रहेगा कि वैल्यू क्या एंटर करना है. तो 5923 हमने एंटर किया. सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज ऑड बिकॉज 19 ऑड ही है. तो परफेक्ट रिजल्ट इसका नहीं. अब मैं इसे इरेज कर सकता हूँ इस प्रोसीजर को. अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया. ये जो 3 लाइंस हैं, while n greater than 0, digit is equal to n mod 10, n is equal to n divided by 10.
जब भी आपको ऐसा लगे कि डिजिट गेट करके आपका प्रॉब्लम हो सकता है, सॉल्व हो सकता है, तो आप ये थ्री लाइंस लिखो। आपको सम करना है सम करो, प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट करो, डिजिट्स को चेक करना है डिजिट्स को चेक करो, जो भी करना है वो आप कर सकते हो। और यहाँ पर अब जैसे सम की वैल्यू को प्रिंट भी अगर आपको करना है कि वो 19 आया था या नहीं, सम मतलब 2-in-1 प्रोग्राम है, सम ऑफ डिजिट भी तो निकल रहा है, सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस सम भी प्रिंट कर देंगे तो क्या होगा, सम भी आ जाएगा साथ में। ओके और मैं मेरी एक रिक्वायरमेंट आपको सॉल्व करना है, मैसेज आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज इवन, मैं चाहता हूँ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर की जगह वो नंबर आ जाए, जैसे 593 लिखा था इज इवन। ओके ओके इजी, तो वो कैसे होगा easy. ये मैसेज को हम फिल्टर कर देते हैं, इधर गिवन नंबर को हटा दे दिया, गिवन की जगह नंबर रहने देते हैं, गिवन की जगह पर वो नंबर प्रिंट करना है हमें, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पर एन आ जाएगा। बट यहाँ एक ट्रेजडी होने वाली है, उस ट्रेजडी के लिए आप तैयार हो जाओ, या मेरे एग्जीक्यूशन से पहले आप मुझे बता भी सकते हो मैं किस तूफान की बात कर रहा हूँ जो आने वाला है। ये क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, डबल अपोस्ट्रोफी इज इवन वो हटाई है नंबर और इसके बीच में वाला, हाँ ये एक्स्ट्रा आ गया था, पहले से ही लगा दिया था वो मैंने गलती से। अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ सही है राइट, आपको कुछ लग भी रहा है कि कुछ गलत हो गया, जब मैं रन करूंगा ना तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, फट जाएंगी खुलने के साथ साथ, आपको लग रहा है ना साथ साथ कि हाँ एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा, बोलो लग रहा है या नहीं, तो टेक ऑफ करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए रेडी होंगे या देखना है मैं किस एरर की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, या तो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ ऐसा भी हो सकता है। तो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट आना चाहिए, जैसे सपोज मैंने एन एंटर किया 5216, तो इसका सम कितना आएगा बोलो, 14। तो इसका मतलब आपका मैसेज आना चाहिए सम ऑफ डिजिट 5216 नंबर एबी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, आपको टेम्पररी वेरिएबल लेना पड़ेगा। तनिष का दिमाग चला, वेरी गुड। तो यहाँ रिजल्ट आएगा क्या सर, इट वाज अरिंजे, हाँ अरिंजे ही बोला है मैंने, अरिंजे बोला तनिष बोला, हेलो जो भी है आप दोनों ही मेरे बच्चे हो। हाँ तो मुझे बताओ यहाँ पर रिजल्ट में क्या आएगा, सम ऑफ डिजिट वो जो नंबर है वो आएगा या कुछ और आएगा? नहीं, इधर एन का जो भी बाकी रहेगा वैल्यू वाइल से निकलने के बाद वो आए। हाँ तो वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो वो क्या है, बट आई नीड टू नो द नंबर, व्हाट इज द नंबर, हर नंबर का एक ही चीज आएगी तो आपको वो नंबर की भी जरूरत नहीं है। सपोज मैंने दिया ना, अभी दिया तो था, इस नंबर का सपोज क्या आएगा बताओ, अच्छा जीरो, हाँ एवरी टाइम जीरो वेलकम, आप कोई भी नंबर डालो वो उसकी जो फिनिश लाइन है डेट इज जीरो। तो मैं रन करके भी दिखा देता हूँ, आंखों से देखते हैं तो और बेटर समझ में आता है, है ना। मैंने कोई भी रैंडम नंबर डाल दिया, सी नंबर मैंने एंटर किया 3456, उसका सम आया 18 और यहाँ पर आ गया जीरो, तो जीरो की जगह पर मुझे क्या चाहिए था, ये नंबर 3456। तो ये नंबर आएगा कैसे, हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, int a इज इक्वल टू n, n तो चला गया बेचारा, है ना, उसकी हो गई डेथ, हम काम चला लेंगे a से और उसके नॉमिनी से, सपोज उसकी जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह हैं ए को असाइन कर देंगे, मान के चलो कोविड ले गया इसे वाइल लूप के थ्रू, ओके तो ए से काम चला लेंगे,
बस ऐसे सैड बोलना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है, शायद सैड स्टोरी ज़्यादा याद भी रहती है ना आगे की, मैंने थोड़ा सा बोला। तो आ गया। Yes. तो इस एन की जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह थे उसने ए को दे दिए, भी हमने रिकवर कर लिया और हमारा पास आंसर आ गया। तो ये एन में डाउट किसने जनरेट किया था, अरिंजय ने या तनिस में? ओके तो इतना डीपली जब हम समझते हैं ना तो वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, वो आप इजीली फिलअप कर पाओगे। तो आपको इसी टाइप के प्रोग्राम की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन अब मैंने कोई भी सपोज यहाँ से ये लाइन गायब कर दी, यहाँ से ये लाइन हटा दिया, यहाँ से ये इसमें कुछ गड़बड़ कर दी, आप इजीली हैक कर सकते हो उसे और समझ भी सकते हो। ओके नाउ आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग। रिएक्शन बहुत अच्छा था लेकिन